सीतापुर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने छत्तीसगढ़ शासन से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर परियोजना महिला एवं बाल विकास विभाग सीतापुर तथा सीतापुर SDM को शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने अवगत कराया है कि यदि उनकी 6 सूत्री मांगों को शासन पूरा नहीं करती तो वह 22 से लेकर 27 तारीख तक रायपुर में हड़ताल करेंगे तथा इसके बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिला अध्यक्ष अनुपा कुशवाहा ने बताया कि वह लगातार अपनी मांगों को लेकर शासन से अनुरोध करते आ रहे हैं। उनके द्वारा पहले भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी परंतु शासन ने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया। अब वह आरपार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। सीतापुर से भवानी सिंह की रिपोर्ट। हड़ताल पे जा रहे हैं अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेके 23 तारीख से लेके 27 तारीख तक। यदि 27 तारीख के पहले उनकी मांग पूरा नहीं होता है तो इनका कहना है कि 28 तारीख से लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का सोच रहे हैं। हम लोग 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। उससे पहले हम ज्ञापन दे रहे हैं और क्या बोलते हैं सूचना के लिए सूचना दे रहे हैं हड़ताल के लिए। ठीक है, 22 तारीख अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हम अपना उग्र रूप धारण करके 23 तारीख से रायपुर में धरना रैली करेंगे और उसके बाद 27 तक हमारा महापड़ाव है। 27 के बाद भी हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो 28 तारीख से हम अपने जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठेंगे और इस बार हमारा जो हड़ताल बैठेगा वो आर और पार की लड़ाई होगी। या तो सरकार को हमारे उसमें झुकना पड़ेगा या तो फिर हमको जो करना पड़ेगा, हम अपना जान अपना सब कुछ दांव पे लगाकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने के लिए तैयार हैं। आज हमको सरकार कई प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, कितना सारा काम हमको सौंपा जा रहा है और हमको जीने लायक वेतन भी नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार भाजपा सरकार कुर्सी से गिरा है उसी प्रकार कांग्रेस सरकार को भी कुर्सी से गिरने का लेट नहीं होगा। अपना नाम मैं